महेश ये देखो ना, मैंने सैंपल केक बनाया है। कल मैं बल्लू और मेहर के लिए ऐसा ही केक बनाने वाली हूँ, जरा चक्कर बताइए ना कैसा है। कौन मैं? हाँ। स्मिता भाई, तुम्हारे हाथ का बना हुआ केक खाके मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है। हाँ? और वैसे भी हाँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अच्छा है ना? ये नमक डाला है तुमने इसमें? अरे हाँ, ये सॉल्टी चीज केक है ना, इसलिए नमक तो पड़ेगा ही। उसमें इतना क्या मुंह बिगाड़ रहे हो? बताता हूँ क्यों। ये अब तुम्हारा मुंह क्यों बिगड़ रहा है? एक काम करना स्मिता, बेकरी से अच्छा सा एक केक मंगा लेना, ताकि बच्चों का भी ऐसा मुंह ना बिगड़े। हाँ। स्मिता। हाँ। वो डेकोरेशन का क्या किया आपने? हाँ, वो तो भूल ही गया मैं स्मिता, कमरे में रखा है, मैं शाम को आके प्रॉपरली डेकोरेट कर लूंगा। हाँ? मेहर और बल्लू की बर्थडे है ना, तो उसकी तैयारी। हाँ, लेकिन बर्थडे तो कल है। हाँ, बर्थडे चाहे कल हो या आज, हम लोग तो खूब मजे करेंगे और खूब खर्चा भी करेंगे। ये दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस राइट है, दूसरा रॉन्ग है। खर्चे करेंगे वो करेक्ट है। खर्चा करेंगे रॉन्ग है और खूब मजे करेंगे ये राइट है। ओ भाई, ओ तेरा बड़ा भाई है ना, कोई बिजनेस टाइकून नहीं है, एक छोटी सी फर्म में छोटा सा क्लर्क है, सेविंग के बारे में सोच। चलो भाई, मुझे देर हो रही है। मैं एक मिनट। मेहर, बल्लू, तुम दोनों जल्दी से पापा को बोल दो कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। अरे नहीं पापा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। अरे बेटा, साल में एक दिन तो आता है इस कंजूस को लूटने के लिए, तो लूटो, मतलब जो चाहिए वो मांग लो। मांगो। हाँ बोल बेटा बोल। पापा, आपको जो अच्छा लगे वो हमारे लिए लेकर आना, ठीक है? देखा, अरे इसे कहते हैं समझदार बच्चा। बेटा, मैं तेरे लिए एक जबरदस्त वीडियो गेम लेके आऊंगा। अरे वाह। और मेहर, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मेहर और मेरे लिए एक एक स्मार्टफोन। मानो बेटा, मेहर का बर्थडे है तो मेहर को बोलने दो। पापा, पार्टी का और गिफ्ट का दोनों मिला के कितना बजट होगा? एक छोटी सी ग्रैंड पार्टी और एक बढ़िया सा गिफ्ट, ये मिला के मेरा बजट है 2,500-3,000। बस तो ठीक है पापा, पार्टी भी मत करना और मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लाना। क्यों? बस आपका जो बजट है उसका कैश मेरे पिगी बैंक में डाल देना। लेकिन मेहर, बेटा इतने पैसे का तू करेगी क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकती माँ, अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। बाय 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 बाय। कमाल है ये लड़की, ये इतने पैसे का करेगी क्या? इतने सारे? भाई मुझे लेट हो रहा है भाई, मुझे जाना, रात को आके डेकोरेशन भी करना है। चलो बाय, मैं निकलता हूँ भाई। सुनो डुबाड़ुबा भाइयों, है पता तुम सबको कि दूंगा क्या मैं भेंट में बालवीर को उसके 12वें जन्मदिन पर? क्या? मेरी एक सुंदर और ताजा कविता, गौर से सुनिएगा। मिलेगी छुट्टी हमें काम से, मिलेगी छुट्टी हमें काम से, मनाएंगे हम बालवीर का जन्मदिन बड़ी धूम धाम से। वाह 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 वाह, क्या बात है डुबा डुबाई, क्या कविता सुनाई है आपने। ये कविता सुनकर बालवीर को जरूर नींद आ जाएगी। अरे डुबा डुबाई, दिल छोटा मत कीजिए, एक दिन आप बहुत अच्छी कविता लिखेंगे। लेकिन अब
हम सबको मिलकर इस पूरे परिलोक को सजाना है। हाँ, और ऐसा सजाना है कि पूरा परिलोक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। बिल्कुल सही कहा आपने आरपार परी। बालवीर के जन्म दिवस को हम यादगार मना देंगे, उत्सव की तरह मनाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, और ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे कि उसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों परियो? लेकिन हमें डर है कि बालवीर का जन्म दिवस कल है और हमने अब तक कोई तैयारी भी नहीं की। चिंता मत कीजिए डरी परी, हम सबको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारी तैयारियां अपने आप हो जाएंगी। लेकिन कैसे रानी परी? हम आपको अभी दिखाते हैं। खुश रहो हंसी परी, खुश रहो, खुश रहो खुशी परी, खुश रहो। परियों, ये है हंसी परी और ये है खुशी परी। बालवीर के जन्म दिवस का आयोजन ये दोनों परियां करेंगी। और आप जानती हैं परियों, आयोजन करने में इन दोनों परियों का कोई जवाब नहीं। हम करेंगे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन, हो जाएगा पूरा परिलोक प्रसन्न। छा जाऊंगी सबके चेहरों पर मैं, यानी हंसी। बस जाऊंगी सबके दिलों में मैं, यानी खुशी। झपकाइएगा मतलब अपनी पलक, देखिए स्वादिष्ट व्यंजनों की एक झलक। हो जाएंगे सब आनंद में मगन, क्योंकि नृत्य और गीतों से होगा सबका मनोरंजन। रहेगा बालवीर का ये जन्मदिन सबको बरसों तक याद, क्योंकि होगा ऐसा उत्सव भी यहाँ बड़े अरसे के बाद। अरे वाह, आपने तो हम सबका दिल जीत लिया हंसी परी और खुशी परी। अब लेकिन रानी परी, क्या हम इस कार्यक्रम के साथ एक और कार्यक्रम नहीं कर सकते? कार्यक्रम? कैसा कार्यक्रम? वो किसने भटकाती परी? आपको याद है गाल परी, बालवीर ने 100 बुरी शक्तियों को पराजित किया था और उसी लिए हम बालवीर को सम्मानित करने वाले थे, लेकिन महाविनाशनी के कारण हम वो कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। हाँ हाँ, वो कार्यक्रम भी होना चाहिए। रानी परी, क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही है? परियों, बात ही चिंता की है, हमें महाविनाशनी की चिंता हो रही है। जब महाविनाशनी को यह पता चलेगा कि हम बालवीर के जन्मदिन पर उत्सव मना रहे हैं, तो वो इसमें बाधा डालने की कोशिश करेगी। इसीलिए परियों, डुबा डुबाओ, हम सबको सतर्क रहना होगा। कहीं कहीं महाविनाशनी की वजह से बालवीर और बच्चे संकट में ना पड़ जाएं। जी रानी परी। मेहर, तूने पार्टी के लिए मना क्यों कर दिया? मेरी मर्जी, मेरा बर्थडे है, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। अच्छा हाँ, स्कूल के बाद मेरे लिए रुकना मत, घर चले जाना। पर मेहर। क्या पर मेहर? मैंने बोला ना कि मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। पर मेहर, बल्लू का भी तो बर्थडे है, तेरी वजह से उसकी भी पार्टी कैंसिल हो जाएगी। अरे मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये जानना है
मेहर तुमने पार्टी के लिए मना क्यों कर दिया? अरे बलू लल्लू कुछ नहीं हुआ, मेरी मर्जी, मेरा बर्थडे है, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी, सिंपल। क्यों पिद्दियो, किस पार्टी की बात कर रहे हो? बताओ बताओ। अरे चुप क्यों हो, जल्दी बताओ। वांट टू द फैटेस्ट लखानी को, मेरे कहने का मतलब वांट टू द ग्रेटेस्ट लखानी को, जवाब दो। ए मानो मेर, चलो बताओ तुम लोग कौन सा पार्टी का बात कर रहा था, बताओ फटाफट। अरे हाँ, वो पार्टी आई थी ना, हमारा घर देखने आई थी, उसी पार्टी की बात कर रहे थे। ए पिद्दी, तुझे का हम लोग बेवकूफ लगते हैं? ए चिट्टू, जाके उनके बैग चेक कर। रोहित तू भी जा इसके साथ। अरे अरे रोहित रुको, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से झूठ बोला क्या है ये? मोंटू बॉस, लगता है ये पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, बस इसमें नेम डेट और टाइम नहीं लिखा हुआ है। ए पिद्दियो, अभी के अभी टाइम डेट और मेरा नाम लिखो और मुझे अभी के अभी इनविटेशन दो। मोंटू जी, अब दो दिन बाद हमारे घर पर नहा धोकर आ जाना, हम आपको इनविटेशन कार्ड दे देंगे। ए, बेवकूफ समझा? मोंटू देख, मैं तुझे इनवाइट करती हूँ, लेकिन मानव को छोड़ दे। ये ले, ले। हाँ। मोंटू, ये लो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। चलो मानव बल्लू, चलते हैं। देखा, इसे कहते हैं बॉस गिरी। मोंटू तो गधे को हमारी पार्टी में इनविटेशन नहीं है। इन पिद्दियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए चिट्टो, तो जुगाड़ कर ताकि इनकी पार्टी में मैं इनकी ही बैंड बजा सकूं। ये बॉस सोचता है। इस बार भी बालवीर जीत गया। हर बार मेरी शिकस्त होती है और बालवीर जीत जाता है। इस बार मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। है तो आखिर बच्चा है, छोड़ूंगी नहीं उसे। ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी बालवीर। ये क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम बालवी? वैसे कर क्यों रही हो आप हवा में वार? है नहीं यहाँ पर बालवीर।
अच्छा अच्छा है लगता मुझे बिगड़ गया आपका मानसिक संतुलन। होती है पृथ्वी लोक पर आप जैसे लोगों के लिए एक जगह पागल खाना। कहूं तो करवा दूं आपकी भर्ती वहां पर है। भूल जाते हो किससे बात कर रहे हो। अगर दोबारा मेरा अपमान किया तो नहीं 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 माफ ना की हो गई गलती नहीं करूंगा ऐसी गलती दोबारा। अरे कर दीजिए मुझे दिखाइए आप अपनी शक्ति इस कमजोर पर ही। लेकिन बालवीर का क्या मतलब सोचिए कोई नई योजना बालवीर का अंत करने की। जाओ परी लोग जाकर वहां की हलचल पर नजर रखो। अब महाविनाश नहीं था क्या ये आपका नया टोटका? ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये मेरी आंख और कान है। परियों और बालवीर की एक एक पल की खबर देगा ये मुझे। और परियां इतने निर्दोष पक्षी पर वार नहीं करेगी। अच्छा अच्छा मतलब था ये आपका निर्दोष जासूस। हैटी खेटी कीजिए आप जासूसी मैं तो चला। तौबा तौबा मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम यहाँ नहीं रहते हो, मौका मिलते ही निकलते हो। कहाँ जा रहे हो? बता दूंगा अगर मैं इसे कि जाकर पृथ्वीलोक लेता हूँ मैं निर्मल आनंद तो नहीं जाने देगी ये मुझे, क्योंकि नहीं करती ये खुद भी मजा और ना ही है करने देती दूसरों को भी मजा। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? वो मैं हूँ कर रहा मैं आजकल शोध। कैसी शोध? शस्त्रों की नई नई उपाय की ताकि चखा सको आप बालवीर को मजा और कम हो सके आपकी निराशा है। तो जाऊं मैं? जा। मेहर थोड़ा आराम से खाओ, चबा चबा कर खाओ। मैं अभी आती हूँ, मेरा हो गया। अरे मेहर आराम से खा लो। अरे मैं मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ जा रही है? अरे माना तो उसे पार्टी की बात निकली है, मेहर का बिहेवियर थोड़ा बदल गया है, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर वो उसे कुछ छुपा रही है। चल जाकर देखते हैं। चल अंकल। अरे बेटा तुम आ गए? ये लो राकेश की मम्मी ने भेजा है, जो राकेश को आप ट्यूशन पढ़ाते ना ये उसकी फीस। ठीक है। वो अंकल ने मेहर को पैसे क्यों दिए? शायद तुझे पिटने के लिए।
अरे मुझे क्या पता मानो। तो चलना महर से चलकर पूछते हैं। नहीं मानो, अभी अगर हम महर से जाकर पूछेंगे तो उसे लगेगा हम उसकी जासूसी कर रहे हैं, फिर तो हमें कभी नहीं बताएगी। हाँ, तो फिर हम कैसे पता करें कि वो क्या कर रही है? हाँ, स्कूल के बाद उसका पीछा करते हैं, शायद पता चल जाए। हाँ, अभी चल। उस महर के बच्ची ने मुझे गधा बोल के बहुत बड़ी भूल की है। हाँ, गधा नहीं, गेंडा बोलना चाहिए था, गेंडा। सॉरी, चिट्टू का बच्चा क्या रह गया? उसने पार्टी में जाने का जुगाड़ किया कि नहीं? कर दिया बॉस। अबे तू कहाँ था? कब से आपके पीछे तो था बॉस। हाँ, वो सब छोड़ो, ये लो। परफ्यूम की बोतल का मैं क्या करूं? अरे मोंटू बॉस, जब आप नहीं नहाओगे ना तब ये परफ्यूम की बोतल काम आएगी। मोंटू बॉस, ये केवल इत्र नहीं है, ये तो मित्रम प्यारम यंत्र है। हाँ, आप इसे जिसपे भी छिड़केगा वो आपका दोस्त बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम महल पे ये डाले तो मेरे हम सबकी दोस्त बन जाएगी और हमें पार्टी में इन्वाइट करेगी। तो फिर मेहर को स्कूल के बाद ढूंढते और उसको दोस्त बना के उसकी पार्टी में दुश्मनी निभाते। चलो। खुशी, चलो भर देते हैं इन फूलों में नए नए रंग। क्यों नहीं हंसी, रंग और सुगंध से बढ़ेगा उमंग। परी, खुशी परी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए अपनी आंखों से रानी परी, और बताइए लग रही है या नहीं तैयारी खरी? अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर। वाह, कितने सुंदर फूलों से सजाया आपने परीलोक के उद्यान को। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों से कि मन प्रसन्न हो जाए। लेकिन परियों, अपने उत्साह में ये मत भूल जाइएगा कि हमें अभी बालवीर को उसके जन्म दिवस के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि हमें उसे आश्चर्यचकित करना है। और हाँ परी, ये भी ना भूलिएगा कि बालवीर के जन्म दिवस की खबर महाविनाशनी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर महाविनाशनी को ये पता चल गया तो वो इसमें बाधा डालने की कोशिश जरूर करेगी। अब हमें बनाने हैं स्वादिष्ट व्यंजन भी। ठीक है परियों, आप जाइए। आयोजक परियों, पता लगाना पड़ेगा कि क्या आयोजन करने आए, ताकि बालवीर और परीलोक का अंत कर सकूं। जाओ पक्षी, आयोजक परियों के करीब जाओ, मैं जानना चाहती हूं कि वो क्या तैयारियां कर रही है। मैं इधर ही आ रही है, मेरी तीन गिनती गिनने पर परफ्यूम उस पर छिड़क देना। हाँ, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3
मेरे जिगर के टुकड़े, तुम अभी तक कहाँ थे? कहाँ था बताना? छोड़ो, अरे छोड़ो, जाओ छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, दोस्त कहाँ था अभी तक? छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। ये लो मेरे दोस्त, ये मेरी चोरी का सारा माल है, इसे संभालो, रख ले पगले, रख ले, ले ले। अरे अंकल, अरे अंकल आपकी बैग, अंकल बोला बोला बैग, आओ अंकल बैग तो लेके जाओ। अरे अंकल बेटा, छोटी सी उम्र में चोरी करता है? मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, झूठ नहीं बोलता है? झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब से? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बैग मेरा नहीं है। ए चिट्टू, इससे पहले कि हमारे कान भी पकड़े, चल भाग यहाँ से। अरे अंकल वो मेरा नहीं है। आंटी ये लीजिए आपका सामान। ये मेहर क्या कर रही है? चल देते। मेहर ने पहले उस औरत से पैसे लिए और अब इस न्यूज़पेपर वाले से पैसे ले रही है। आखिर मेहर इतने पैसों का करेगी क्या? हाँ बल्लू बल्लू, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अंकल कल भी मेरे लिए काम बचा के रखो, मैं कल भी आऊंगी। कहाँ गई मेहर? देखो मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। अरे कौन दोस्त? अरे कुछ दोस्त नहीं बनना, नहीं बनना मुझे तुम्हारा दोस्त। अरे रुको, है परी लोग का उत्सव स्थल तो बहुत बड़ा, करना पड़ेगा हमें भी बंदोबस्त बहुत बड़ा। हंसी परी खुशी परी, परी लोग के उत्सव स्थल को कैसे सजाएंगे आप? आप खुद ही देख लेना। और करीब जाओ पक्षी, मैं जानना चाहती हूँ कि सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं। पैसे कमा रही है, लेकिन क्यों, किस लिए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेहर की सस्पेंस वाली फिल्म कब खत्म होगी, कब मेहर का राज खुलेगा। इसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लगता है मुझे बालवीर के रूप में ही मेहर से मिलना होगा, शायद मेहर बालवीर को सब सच सच बता दे। ओए बल्लू लल्लू कहाँ खो गया, बताना मेहर की सस्पेंस वाली फिल्म कब खत्म होगी। मानो तुम जाकर देखो कि मेहर आगे क्या करती है, तब तक मैं आता हूँ। बल्लू लल्लू अब तुम कोई सस्पेंस वाली स्टोरी मत चालू कर, तू कहाँ जा रहा है?
अरे मानव, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं चाचा जी से आशीर्वाद लेना ही भूल गया। अब मैं बस अभी उन्हें फोन करके आता हूँ, ठीक है? ये मेहर बल्लू को समझना ना मेरे बस की बात नहीं है। मेहर, बालवीर तुम? लेकिन तुम यहाँ क्यों? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी इसलिए मैं आया। लाओ ये मुझे दे दो। अगर मैं बालवीर की मदद लूंगी तो वो गलत होगा। ये काम तो मुझे अपने बलबूते पे करना चाहिए ना। क्या हुआ मेहर, लाओ दे दो। थैंक यू बालवीर, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। मेहर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त ही दोस्त की मदद करेगा, लाओ। हाँ बालवीर तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने होते हैं, इसलिए बुरा मत मानना। हाँ बाय। मेहर ने मुझे भी नहीं बताया, फिर मेहर आखिर इतने सारे पैसों का करेगी क्या? जो भी हो सच के बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। अंकल। हाँ बेटा। मैं आपकी सारी स्टेशनरी पहुंचा के आई हूँ। अच्छा? और ये लीजिए 1500 रुपए। हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और तुम्हारी स्टेशनरी भी तैयार है, बुक्स भी तैयार है, लाओ रख देता हूँ थैली पे। ये लो, संभाल के जाना बेटा। हाँ थैंक यू अंकल। ओके। रानी परी, खुशी परी और हंसी परी बालवीर के लिए उसके पसंदीदा फल का केक बनाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कल का उत्सव बहुत ही भव्य होगा। रानी परी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन दोनों आयोजक परियों को यहाँ बुलाया, इनकी वजह से इस कार्यक्रम की रौनक और बढ़ जाएगी। आइए हंसी परी, खुशी परी, हम सब आप ही की बात कर रहे थे। आपके आयोजन से सभी परियां बेहद खुश हैं। हम आशा करते हैं कि कल का उत्सव भी बहुत ही शानदार होगा। ये आवाज कैसी? ये आवाज तो किसी पंछी के उड़ने की लग रही है। पक्षी की आवाज? लगता है परी महल में कोई पंछी घुस आया है। पंछी? तेरी परी यहाँ तो कोई नहीं है। काल परी, बिजताग परी, आप दोनों हंसी परी और खुशी परी के साथ जाइए और इनकी मदद कीजिए। हम नहीं चाहते कि कल के उत्सव में कोई भी कसर बाकी रह जाए। जी रानी, जी रानी परी। ये किस उत्सव की बात कर रही है परियां? और करीब जाओ पक्षी, मैं उनकी सारी बातें सुनना चाहती हूँ। और करीब जाओ। कसर बाकी नहीं रह गई कल, क्योंकि कल आएगा महत्वपूर्ण पल। महत्वपूर्ण पल? ऐसा कौन सा पल है? ये क्या हुआ? ये दृश्य दिखाई देना बंद क्यों हो गया? क्षमा कीजिएगा रानी परी, लेकिन आपने इस निर्दोष पक्षी पर वार क्यों किया?
ये कोई निर्दोष पक्षी नहीं बल्कि एक विशेष यंत्र है। हाँ परी, हमने परीलोक के इतिहास की किताब में इस यंत्र के बारे में पढ़ा था। देखिए परी, गौर से देखिए, इसकी आंखों में छाया चित्र यंत्र लगा हुआ है जिसके द्वारा हमारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। देखिए, इसमें ध्वनि यंत्र भी लगा हुआ है जिसके द्वारा हमारी परीलोक की सारी बातों को सुना जा रहा था। इसका मतलब हम पर कोई जासूसी कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है रानी परी? महाविनाशनी के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा काम वही कर सकती है। इस पक्षी यंत्र को अभी बिगड़ना था, इतनी महत्वपूर्ण बात साथ आते आते रह गई, पर महाविनाशिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। परिलोक में क्या चल रहा है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी। हमें तो डर है कि बालवीर के जन्म दिवस पर महाविनाशिनी कोई ना कोई बाधा जरूर डालेगी। रानी परी सही कह रही है। रानी परी, हमें शायद ये कार्यक्रम रखना ही नहीं चाहिए था। नहीं भटकाती परी, सच्चाई और अच्छाई कमजोर नहीं है जो बुराई से डरकर पीछे हट जाए। हमें महाविनाशनी से डरकर हमारा कार्यक्रम नहीं बदलना चाहिए। हाँ परी, हम अपना कार्यक्रम नहीं बदलेंगे, लेकिन हम सबको बहुत सावधान रहना होगा। हम अभी परिलोक के आसपास सुरक्षा कवच लगा देंगे। भटकाती परी, आप तुरंत जाइए और सुरक्षा परियों से कहिए कि वो परिलोक की सुरक्षा को और भी कड़ा कर दें। हम महाविनाशनी को सफल नहीं होने देंगे। जी रानी परी। तो बच्चे कहाँ चले गए? बेटा कुछ काम था? आ, वो जो नाइट स्कूल वाले बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो कहाँ हैं? पास वाले पार्क में गए हैं। पार्क में? अरे बॉस, वो मानो मेरे कहाँ गायब हो गए। अरे उनको छोड़, मुझे तो मूठी का टेंशन है, हाथ धो के पीछे पड़ी है। तेरी वजह से मैं फंस गया हूँ चिट्टू। मेरा क्या कसूर बॉस? मैंने बोला था आपको उस महर पे इत्र डालने को, आपने उस मोटा लड़की पे डाल दिया। अरे पर ऐसे इत्र देता है क्यों है? तेरी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रोहित हाथ छोड़, रोहित हाथ छोड़। मोंटू बॉस, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, पीछे देखो। राखी, थैंक यू दीदी राखी बनने के लिए। अरे इडियट, ये राखी नहीं है, ये तो फ्रेंडशिप बैंड है। अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरे साथ रहोगे, मेरे पास रहोगे। अरे इतना कोई मारता है क्या? बेस्ट फ्रेंड बोल के मार दिया। प्यार से मार रही हूँ दोस्त। हाँ हाँ प्यार से, मोंटू बॉस भी हमें बहुत प्यार से मारते हैं। हाँ मारो दीदी मारो, मोंटू बॉस को आज तक किसी ने प्यार से नहीं मारा। मोंटू बॉस प्यार के मार का भूखा है। मारो दीदी मारो मारो। ए सुनो, मैं प्यार के मार का भूखा नहीं हूँ, मैं पिज्जा का भूखा हूँ। प्यार के मार के भूखे नहीं, पिज्जा के मार के भूखे। चलो मैं तुम्हें मार मार के पिज्जा खिलाता। एक मिनट, आप एक काम करो, आप ना मुझे हाथ से मत मारो, आप मुझे उस लकड़ी से मारो, आपका हाथ बहुत भारी है, बहुत लगता है। एक मिनट।
ये लोग कहाँ गए? मेरा फ्रेंडशिप बैंड भी फेंक दिया। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मैं आ रही हूँ, दोस्त। लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आए? और वैसे बर्थडे तो मेरा कल है, फिर आज? बताती हूँ, ये सब इस डिफेक्टिव बल्लू की वजह से। माँ, डिफेक्टिव नहीं, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव। वही, सेम टू सेम। बल्लू, तू इन सबको यहाँ लाया? पर क्यों? बता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेहर, उस दिन जब तूने बर्थडे पर पैसे मांगे थे ना, तो मुझे और बल्लू को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर हमने तेरी जासूसी की। सॉरी फॉर दैट। तुम्हारी जासूसी करते करते हमें सच का पता चला। तुम्हारा पीछा करते करते मैं उस शॉपकीपर तक पहुंचा और उन्होंने मुझे बताया। हाँ बेटा, मेहर पिछले 10 दिनों से मेरे साथ ही काम कर रही थी, मेरे क्लाइंट्स को स्टेशनरी पहुंचाती थी और बदले में जो भी मैं उसे पैसे देता था, उससे वो नाइट स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए बुक्स और स्टेशनरी मुझसे ही खरीद लेती थी। और इस तरह मुझे पता चला कि तुम बर्थडे पार्टी के पैसों से इन बच्चों की मदद करना चाहती थी। मैंने ये बात घर वालों को बताई और फिर हम सब ने मिलकर सोचा कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी क्यों ना तुम्हारे नए दोस्तों के साथ मनाई जाए। और देखो मैं, तुम्हारे नए दोस्त कितने खुश है। बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, आई एम प्राउड ऑफ। बेटा आज तुमने साबित कर दिया है कि दूसरे को खुशी देने में जो खुशी मिलती है वही सच्ची खुशी होती है। हाँ दादाजी, जब मैंने इन बच्चों को नाइट स्कूल में पढ़ते हुए देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन उनके पास कुछ नहीं, फिर भी ये पढ़ना चाहते हैं, तो फिर मैंने थोड़ी सी मदद कर दी बस। सबसे पहले मेहर अपने नए दोस्तों को किताबें और स्टेशनरी बांटेगी, तब तक रॉकी चाचू और स्मिता भी आ जाएंगे केक लेकर और फिर हम मनाएंगे बिग पार्टी। ये चलो 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 आ जा आ जा। और इस तरह महर ने दूसरे बच्चों की खुशी के लिए अपनी खुशी त्याग दी। रानी परी, अरे बार बार परी, ये तो आपने बहुत ही शुभ समाचार दिया, हमें महर पर बहुत गर्व है। वैसे जब तक महर जैसे सच्चे और अच्छे बच्चे पृथ्वी लोक पर हैं, सच्चाई का झंडा यूं ही लहराता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा रानी परी, हमें पूरा विश्वास है कि महर के इस नेक काम के लिए आप उसे कोई ना कोई इनाम जरूर देंगी। और रानी परी, हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम मेहर को और पृथ्वीलोक के सारे बच्चों को बालवीर के जन्म दिवस पर यहाँ आमंत्रित करें परीलोक में। हाँ हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। उत्सव में मित्रों को देखकर बालवीर बहुत खुश होंगे और बालवीर के साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ। रानी परी, हमें बच्चों को बुलाना ही चाहिए। हाँ रानी परी,
ठीक है परियों, हम बालवीर के जन्म दिवस पर सभी बच्चों को आमंत्रित करेंगे, लेकिन रानी परी हो गई है तैयारी सारी, बस केक बनाने की कल आएगी बारी। लेकिन कल क्यों? ताकि केक रहे ताजा और बालवीर को मिले आश्चर्यचकित होने का मजा। ठीक है परियों, केक कल बना लीजिएगा और इतना बड़ा केक बनाइएगा कि सभी बच्चे बड़े मजे से खा सके। परियों, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे कि अगर हम सभी बच्चों को बालवीर के उत्सव पर आमंत्रित करेंगे तो ये बात फैल जाएगी और फिर महाविनाशनी को पता चल जाएगा कि हम बालवीर का उत्सव कहाँ मनाने वाले हैं और महाविनाशनी इस उत्सव में बाधा डालने की कोशिश जरूर करेगी। और परियों, हम नहीं चाहते कि बच्चे किसी संकट में आ जाए। उसकी चिंता मत कीजिए रानी परी, क्योंकि हम बच्चों को ऐसे देंगे जन्मदिन का न्योता कि बच्चों के सिवा किसी को नहीं चलेगा उसका पता। लेकिन हंसी परी, ऐसा कैसे संभव है? बच्चे तो आखिर बच्चे हैं और बच्चे उत्साह में बाकी सभी लोगों को तो बता ही देंगे और इस तरह से बात फैल जाएगी। बच्चे किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि हम न्योता देने हर बच्चों के सपने में जाएंगे। लेकिन बच्चों के सपनों में जाने से क्या होगा? हम बच्चों के सपने में जाएंगे तो उनको सम्मोहित कर पाएंगे और सम्मोहन की असर के कारण बच्चे उत्सव की बात किसी को नहीं बता पाएंगे। अरे वाह, हमें आपका विचार बहुत अच्छा लगा। हंसी परी, खुशी परी, तो आप दोनों जाइए और बच्चों के सपने में जाकर उन्हें बालवीर के उत्सव का न्योता दीजिए। जी रानी परी। उस मूर्ति के चक्कर में पता नहीं वो महल का गायब हो गई, ये सब तेरी वजह से हुआ है। चिट्टू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी तो दोस्त। देखो मैं आ गई। रुको, अरे भाग गए चिट्टू, चल। अरे चिट्टू, अरे उठ, अरे उठ। कहाँ गया मेरा दोस्त? नहीं नहीं बताऊंगा, वरना मोंटू बॉस तुम्हें पीटेंगे। मोंटू बॉस पीटेंगे, उससे ज्यादा तो मैं पीटूंगी अगर मुझे नहीं पता। बताओ कहाँ है दोस्त? पिज़्ज़ा खिलाएगा तो बता देगा कि बॉस कहाँ है। पिज़्ज़ा कहाँ है तुमको? ये लो। दोस्त के पिज़्ज़ा पे नजर थी ना, बताओ मुझको दोस्त कहाँ है। अरे दीदी उठ जाओ वरना हमारी चटनी बन जाएगी। पीछे लड़के, पीछे। दोस्त पिज़्ज़ा। अरे डरे डरे दो। ये हाथ में दोस्ती का फंदा है मोंटू, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लो। रोहित बचाओ, जाने दो। अरे अरे मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। नहीं खाना मुझे पिज्जा, मुझे जाने दो, जा दो। अरे 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 जाने दो ना, अरे दीदी जाने दो, मुझे नहीं खाना पिज्जा। दोस्त देखो, तुमने मुझसे क्या बोला था कि तुमको प्यार की नहीं पिज्जा की भूख है, तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। नहीं नहीं खाना मुझे, अरे नहीं नहीं खाना मुझे। लास्ट है। थैंक यू दोस्त। खुशी,
पहले किसके सपने में जाएं? हंसी पहले मेहर को ही आजमाएं। सपना सुंदर तुम्हारा, फिर भी है ये सच प्यारा प्यारा। सपना? लेकिन आप दोनों कौन हैं और मेरे सपने में कैसे आए? हम हैं हंसी परी और ये है खुशी परी, और हम आए हैं तुम्हें बालवीर के जन्मदिन का न्योता देने। कल शाम को बन थन के आ जाना तुम सुंदर उद्यान में उत्सव का मजा लेने। कल बालवीर का भी बर्थडे है? मतलब मेरा और बालवीर का बर्थडे एक ही दिन पर आता है, फिर तो मैं जरूर आऊंगी। अब ध्यान से सुनो मेहर, बालवीर के जन्मदिन का उत्सव तुम्हारा और हमारा राज है, इसे राज ही रखना वरना तुम्हारा इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। नहीं कहूंगी, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, पक्का। सपने में क्यों जा रही हो? वही तो बालवीर है, उसी का तो जन्मदिन है। ओह, भूल गई थी मैं। खैर, चलो मानव के सपने में। कैप्टन मानव डकली और हम जा रहे हैं गोवा। थोड़ी देर में हम बादलों से बात करने लगेंगे, बिकॉज वी आर रेडी टू टेक ऑफ। जहाज उड़ाना आता है? देखो तो, बच्चा भी कितना बड़ा काम कर पाता है। अरे ये तो मेरा सपना है, और ये सपना तो मैं रोज देखता हूँ, क्योंकि मुझे पायलट ही तो बनना है। वैसे आप दोनों कौन हो? हम हैं हंसी परी और ये है खुशी परी, और हम आए हैं तुम्हें बालवीर के जन्मदिन का न्योता देने। हाँ? कल शाम को बन ठन कर आ जाना तुम सुंदर उद्यान में उत्सव का मजा लेने। बालवीर का बर्थडे? यानी मेहर और बालवीर दोनों का बर्थडे एक ही दिन में? अरे वाह, कितना मजा आएगा, मैं तो जरूर आऊंगा। अब ध्यान से सुनो मानव, बालवीर के जन्मदिन का उत्सव हमारा और तुम्हारा राज है, इसे राज ही रखना वरना तुम्हारा इनविटेशन कैंसिल हो जाएगा। हा? नहीं नहीं, नहीं कहूंगा, किसी से भी नहीं कहूंगा। सिवाय इंद्रधनुष के इस कुंड में भी कुछ नजर नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण पल है जो परियां मुझसे छुपा रही हैं? कैसे पता लगा है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।